कहीं खून खराबा देख के मन ना बदल जाए। फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा के रियल एक्शन सुपरस्टार विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज 2 जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपना 4 दिन पूरे करने जा रही है और बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का दिल जीतते हुए एक हिट फिल्म बन चुकी है। आज ये फिल्म दोस्तों अपने 4th दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर रही है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म ने आज कौन कौन सी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी विद्युत जामवाल के एक्शन के डाहाट फैंस है, उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली खुदा हाफिज का सिक्वल है खुदा हाफिज 2, जिसके लीड में दोस्तों आपको एक बार फिर से विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय की जोड़ी नजर आने वाली है। उस फिल्म की कहानी दोस्तों किसी और देश की थी और ये फिल्म की कहानी भारत की ही है, जहां पर इनकी लड़की की किडनैपिंग हो जाती है। इसी पर बेस्ड है दोस्तों यहां पर खुदा हाफिज 2, जिसमें आपको शानदार एक्शन तो देखने को मिलने ही वाला है। साथ ही दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी और इस फिल्म में सभी एक्टर्स के एक्टिंग भी काफी अच्छी नजर आ रही है। बता दें चले दोस्तों आपको कि विद्युत जामवाल का एक्शन इस फिल्म में यूनिक सा है और उन्होंने एक बार फिर से अपनी पिछली फिल्मों से हटकर इस फिल्म में एक्शन किया है। और अगर बात की जाए यहां पर उनकी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि अपने पहले दिन 1,51,00,000 रुपए की ओपनिंग लेने वाली खुदा हाफिज 2 ने अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार ग्रोथ दिखाई और कमाए हैं 2,10,00,000 रुपए। तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में एक बार फिर से आउटस्टैंडिंग ग्रोथ देखने को मिली है और इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन लगभग 20% की ग्रोथ के साथ कमाए हैं 2,40,00,000 रुपए। ऐसे में दोस्तों यह फिल्म शुरुआती 3 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है दोस्तों कि विद्युत की ये फिल्म शुरुआती 3 दिनों में पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म ओम, कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ और कई सारी फिल्मों से आगे निकल चुकी है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के 4th दिन के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खुदा हाफिज 2 को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 4th दिन यानी कि वर्किंग डे में भी आज 7 से 8% की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है, जो कि एक तरह से काफी बढ़िया ऑक्यूपेंसी है। आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट में दोस्तों इस फिल्म के जो शो है वो भी एडवांस में ही 5 से 7% पर दिख रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये फिल्म आज भी 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया से और लगभग 9.5 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से कर चुकी होगी। अगर ये फिल्म दोस्तों इसी तरह से होल्ड करके रखती है तो बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को जल्द ही पार कर देगी और एक हिट फिल्म साबित होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि खुदा हाफिज 2 बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ की कमाई कर पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।